नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का जो प्रसंग है बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे जो पुरुष अपनी पत्नियों के साथ भोजन करते हैं और जो महिला अपने पति के साथ एक थाली में भोजन करती हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। प्रिय दर्शकों, धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि पत्नी को पति के साथ एक थाली में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। अब इससे क्या फायदा होता है और कौन कौन से नुकसान होते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हम जो जानकारी बताते हैं वो पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है, इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी चर्चा और आपको बताते हैं कि जो पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं उनका परिवार पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है और हमारे धर्म ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा गया है। प्रिय दर्शकों, अधिकांश परिवार में पति पत्नी एक थाली में भोजन करते हैं। हालांकि इस संबंध में कुछ लोगों का ऐसा मानना है, एक थाली में भोजन करने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाता है। लेकिन इस विषय में भीष्म पितामह ने पांडवों को इसका राज के बारे में बताया था। हालांकि इस विषय में बड़े बुजुर्ग और धर्म शास्त्रों के जानकार कहते हैं कि पति पत्नी को एक थाली में भोजन कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है इस विषय में अक्सर लोग नहीं जानते हैं। हालांकि इसके बारे में महाभारत में भी इसका जिक्र किया गया है। आइए जानते हैं कि पति पत्नी को एक थाली में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक साथ भोजन करने से प्यार बढ़ता है। इस बात को भीष्म पितामह भी भली भांति समझते थे। उनका मानना था कि हर इंसान का परिवार के प्रति तमाम कर्तव्य होते हैं, ऐसे में उन कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना और उन परिवार के मधुर संबंध कायम रखना, तो पति पत्नी को एक थाली में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। दरअसल पति पत्नी के एक साथ एक थाली में खाना खाने से पति के लिए परिवार के अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी का प्रेम सर्वोपरि हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो गलत सही में फर्क करना भूल जाता है। उस व्यक्ति की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि वो सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। उसको ये पता भी नहीं होता कि क्या सही है और क्या गलत हो रहा है। भीष्म पितामह कहते हैं, अगर पति का पत्नी के प्रति प्रेम सर्वोपरि हो जाता है तो परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए पत्नी के साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। जिस घर में पति पत्नी के साथ भोजन करता है या फिर पति पत्नी का झूठा भोजन ग्रहण करता है, ऐसे घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। उस घर से मां लक्ष्मी सदा सदा के लिए रूठ के चली जाती है। साथ ही मां अन्नपूर्णा का भी अपमान होता है। मां अन्नपूर्णा भी उस घर से धीरे धीरे रुष्ट हो जाती है। इसलिए पति पत्नी को एक थाली में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह का मानना था कि परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे परिवार में आपसी प्यार बढ़ता है, साथ ही एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना भी प्रबल होती है, जिस कारण से परिवार तरक्की की भी करता है। लेकिन एक साथ बैठकर के भोजन करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पत्नी की थाली में भोजन करें या फिर पत्नी पति के साथ एक थाली में भोजन करें। ऐसा करने से आपके घर में दुख दरिद्रता आती है, उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है। प्रिय दर्शकों,
अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से भोजन नहीं करने चाहिए और भोजन को कैसे करना चाहिए। इस विषय में भीष्म पितामह का मानना था, अगर परोसे हुए भोजन की थाली को यदि कोई लांग जाता है तो वह भोजन कीचड़ के समान दूषित हो जाता है, इसलिए इस भोजन को कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे लांगे हुए भोजन को जानवर को खिला देना चाहिए। इसके अलावा अगर भोजन की थाली को कोई पैर मार कर चला जाता है, ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़कर त्याग कर देना चाहिए। दरअसल ऐसा भोजन दरिद्रता लाता है और उस घर में दुख पीड़ा आ जाती है। भीष्म पितामह और कहते हैं कि यदि भोजन की थाली परोसे हुए भोजन की थाली पर यदि किसी महिला की लावण पड़ जाती है, यानी कि लहंगा साड़ी की लावण पड़ जाती है, तो उस भोजन को भी कभी नहीं करना चाहिए। वो भोजन भी मलत्याग के समान दूषित हो जाता है। ऐसे भोजन को जानवरों को खिला देना चाहिए। ऐसे भोजन को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के ऊपर भारी संकट आने की आशंका होती है और धीरे धीरे उसका नसीब कुंडली मारकर सो जाता है। हजारों यत्न करने के बाद भी उस व्यक्ति का भाग्य उदय नहीं होता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन करते वक्त अपने मुख को बंद रखना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन करते वक्त कभी भी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मौन होकर, शांत चित्त मन होकर और चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। ऐसे करने से एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, दूसरा मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। भोजन शुरू करने से पहले मां अन्नपूर्णा का धन्यवाद करें, भोजन की थाली को हाथ जोड़कर प्रणाम करें, उसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन करने के बाद अपनी थाली में कभी भी ज्यादा जूठन ना छोड़ें। भीष्म पितामह और कहते हैं कि यदि आप कि भोजन करने के बाद कभी भी उस थाली में हाथ को नहीं धोना चाहिए। कई लोग ऐसी गलती करते हैं कि भोजन करने के बाद उस थाली में अपने हाथों को धो लेते हैं। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है, तो प्रिय दर्शकों ऐसा कभी ना करें। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।